दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SL Teach में। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, तो इस पेपर के जो है मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में पहला सही विकल्प है मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि सड़क दुर्घटना जो है मानव जनित आपदा है। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। ठीक है, कृषि क्षेत्र सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्र में। और चौथा सही विकल्प है सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सेवा क्षेत्र रोजगार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से करता है। ठीक है, केवला देव घाना पक्षी विहार स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान। तो वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य, तो वो है मध्य प्रदेश। दिल्ली की जनता ने भारत को सम्राट घोषित किया, दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को समाजवाद का जनक माना जाता है, कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर की रेल प्रणाली हो गई है, तो ये चौथे नंबर की रेल प्रणाली हो गई है। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि पार्षद कहते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, कोई एक लिखिए, तो ये है जीवन प्रत्याशा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ठीक है, ये राष्ट्रीय, अगर वो वाला आता तो उसमें 5 दिसंबर होती। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, बिल्कुल असत्य कथन है ये। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये भी गलत है क्योंकि प्रथम स्थान नहीं है भारत का। उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है, सत्य है ये। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है, सत्य। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 हुई थी, ये भी सत्य है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है सही जोड़ियां बनाना है। ठीक है, आकाशवाणी, आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई थी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था। चरण पादुका गोलीकांड ये छतरपुर में हुआ था। परिवहन एवं संचार ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। सीमेंट का कारखाना ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठवें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्र संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, और इसके अथवा में आया था ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, कोई दो लिखिए अथवा अधोसंरचना के प्रकार लिखिए। आठवां क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई, ठीक है, अथवा का था एकाधिकार क्या है। नवा क्वेश्चन है ताशकंद समझौते की दो शर्तें अथवा बाढ़ नियंत्रण के दो उपाय। दसवा क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं अथवा कालाबाजारी किसे कहते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए, अथवा वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, बारहवा क्वेश्चन भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, कोई तीन लिखिए अथवा भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखिए कोई तीन। तेरहवा क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे अथवा असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौदहवा क्वेश्चन प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है, क्या यह सच है, व्याख्या कीजिए, अथवा परिवहन के साधन मानव सभ्यता के पथ प्रदर्शक प्रदर्शक कैसे हैं, लिखिए। पंद्रहवा क्वेश्चन भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था के कोई चार गुण लिखिए। सोलहवा क्वेश्चन है पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली कोई चार विशेषताएं अथवा संघात्मक शासन प्रणाली कोई चार विशेषताएं। सत्रहवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कोई चार विशेषताएं अथवा
भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, रबी और खरीफ की फसलों की में कोई चार अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत का आणविक शक्ति के रूप में किस प्रकार विकास हुआ है, किस प्रकार हुआ समझाइए। तो 19वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई चार उपाय लिखिए, अथवा मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, कोई पांच लिखिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए, अथवा स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है। 21वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला जाने के क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, अरब सागर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। 5वां है, थार का मरुस्थल अथवा खता, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाई, फुहार, ओला, कुहासा, धीर, समीर, झंझा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए, अथवा भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक पांच तत्वों का वर्णन कीजिए। 24वां, मुख्यमंत्री के पांच कार्य लिखिए, अथवा व्यवस्थापिका के कोई पांच कार्य लिखिए। 25वां, उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी स्पष्ट कीजिए, अथवा लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताइए। और लास्ट 26वां क्वेश्चन था, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन, अथवा आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के उपाय बताएं। और फिर था ये मैप, जो कि था 22वें क्वेश्चन का, जिसमें हमें देहली और मरुस्थल बताने थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।